Hi, how are you? I hope everyone is okay. Then here one more question is given by our student. Then I am going to remind you once more. आपको किसी को न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में डाउट आते तो कमेंट बॉक्स में यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब मीन्स यू आर गोइंग टू राइट इट देन वी आर गोइंग टू रिसीव एंड वी आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन सेम लाइक दैट आई गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर ग्रुप दैट क्वेश्चन इज The angles of elevation and depression. Two terms are here given. The angles of elevation and depression of the top and bottom of a lighthouse. एक lighthouse होगा उसका top देख रहे हैं हम लोग किसको देख रहे हैं Bottom को देख रहे हैं और from the top of a 60 meter height building. और हाउ मच एंगल्स आर मेकिंग 60 एंड 30 डिग्रीज पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में समझाना पड़ेगा मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सर कैसे सर बोले तो अब थोड़ा आसान से देखिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा आपको पढ़ने का बाद में थोड़ा डर लगेगा नहीं तो आप डायग्राम बनाते तो न्यूमेरिकल बहुत आसान से हो जाएगा पहले मैं डायग्राम बनाता है डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आफ्टर हम लोग क्या निकालना हम लोग डिस्कस करेगा बाद में सो नाउ सी हियर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस एक लाइट हाउस होगा उधर सर अब भी हम लोग पहले न्यूमेरिकल में भी मैं बोला था आपको किसी भी आप बिल्डिंग बनाना लाइट हाउस बनाना का कुछ आइटम बनाना और कार लेना कुछ भी लेना किसका ऊपर होगा सर बोलो तो अर्थ का ऊपर में भी होगा इसीलिए मैं एक लाइट हाउस बना रहे हैं भैया दिस आई एम गोइंग टू गिव द नेम आई एम गिविंग द ए बी नेम आई हैव गिवन दिस नेम आई एम गिविंग लाइट हाउस एक लाइट हाउस है लाइट हाउस है तो इट इज ऑन द अर्थ दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू मेक हाउ मच एंगल्स आर मींस इट इज गोइंग टू मेक एंगल इज 90 डिग्रीज बस खत्म हो गया उधर तक और उसका बाद में You are seeing from where? Sir, one person is seeing from the 60 meter height of building. किधर ना किधर उसका बगल में एक बिल्डिंग होगा वो बिल्डिंग का ऊपर से एक आदमी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गोइंग टू टेक दिस नेम आई एम गिविंग द नेम इज सी डी सी डी इज वॉट सर मीन्स बिल्डिंग में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा सर आप लाइट हाउस को बहुत बड़ा क्यों ले लिया बिल्डिंग को छोटा क्यों ले लिया क्यों बोले तो इधर देखिए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस बोले तो वो बिल्डिंग का ऊपर से एक आदमी देख रहे हैं किसको देख रहे हैं सर टॉप ऑफ द लाइट हाउस को देख रहे हैं एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या है इसी बॉटम ऑफ द लाइट हाउस बोले तो ए को देख रहे हैं व्हेन यू वांट टू सी द पॉइंट ए नीचे इसे देखना पड़ेगा उसका नाम हम लोग दे दिया क्या डिप्रेशन और आप कभी भी इसे ऊपर देखे तो हम लोग उसका नाम क्या दे दिया एलिवेशन इधर दो टर्म आ गया एलिवेशन आ गया डिप्रेशन आ गया बोले तो मैं उसको टॉप देखना बोले तो आप इधर से इसे खड़ा करके ऊपर देखना पड़ेगा इसीलिए मैं सोच रहा लाइट हाउस का हाइट ज्यादा होगा बिल्डिंग का हाइट कम होगा और उसका बाद में इधर बिल्डिंग का हाइट भी दे दिया कितना दिया 60 मीटर सर मैं इधर लिख रहे हैं दिस इज 60 मीटर वेरी गुड फ्रॉम ईयर टू ईयर यू आर गोइंग टू सी द लोकेशन बी टॉप ऑफ द लाइट हाउस हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग Sir, it is making angle is 30 degrees. Then 30 degrees, sir, मैं किधर लेना कभी भी आप देखिए एंगल बोले तो आप ऐसा देखे तो आपका सीधा हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देख रहे हैं बोले तो इधर मिडिल में एंगल मिलेगा आपको समझ में आया नहीं तो आप ऐसा मान लीजिए सर वो आदमी इधर से वो आदमी का आई साइड सीधा ऐसा है सर वो इतना ऊपर से देख रहा है बोले तो ऐसा हाइट करके देख रहा है दिस एंगल कितना सर बोले तो 30 डिग्रीज
क्लियर. देन इफ आई एम गोइंग टू प्रोलॉन्ग लाइक दिस, सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, वो स्ट्रेट लाइन में दिस इज 30 डिग्रीज. और उसका बाद में आदमी किधर देख रहे हैं, टॉप खत्म हो गया, बॉटम को देख रहे हैं. बॉटम बोलो तो पॉइंट ए को देख रहे हैं. ए को देखने के लिए डिप्रेशन हो जाएगा, नीचे देखना पड़ेगा. नीचे कितना दिशे देख रहे हैं सर बोले तो, सर वो देख रहे हैं दिस एंगल हो जाएगा आपका, सॉरी कितना दे दिया 60 डिग्री. सर सीधा से नीचे 60 डिग्रीज लगाया. आप असच्चे अच्छा से देखिए, दिस लाइन दिस लाइन, दिस इज अर्थ सरफेस, वो भी सरफेस, बोथ आर पैरेलल हो गया. देन इफ इट इज 60 बोले तो अब आसान से 60 डिग्रीज हो गया. दिस इज क्वेश्चन गिवन. अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएगा. पहले में क्यों क्वेश्चन नहीं पढ़ा बोले तो, पहले में क्वेश्चन पढ़ा तो आपको डर लगेगा, पहले वो समझ में नहीं आते तो क्वेश्चन पढ़े तो और थोड़ा फसीना निकालेगा. इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन को आपको समझा दिया. और उसका बाद में हम लोग क्या निकालना, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, डिफरेंस बिटवीन किसका किसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट, लाइट हाउस का हाइट. लाइट हाउस का हाइट कितना, ए बी, ठीक है. एंड बिल्डिंग का हाइट कितना, सी डी. सर वो ए बी में वो 60 है तो आप ऑटोमेटिकली बोलेगा वो भी कितना हो जाएगा 60, क्यों बोले तो बोथ आर पैरेलल लाइंस. मैं उसका एक नाम बोल रहे हैं भाई ई. देन दिस इज आल्सो हाउ मच 60 सर. क्लियर. अभी डिफरेंस क्या होगा सर, डिफरेंस वो 60 वो 60 खत्म हो गया सर, बी इज डिफरेंस. देन फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया सर, बी. सेकंड क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन बोले तो लाइट हाउस इधर है, बिल्डिंग इधर है, इधर बोले तो वो डिस्टेंस किसका नाम क्या रखते हैं आप, सर वो ए सी है, वो कितना है, समझ में आया अभी. देन आई एम राइटिंग हियर सर, सी डी इक्वल टू एक्वल टू 60 meters. क्लियर. देन आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, बीई डी. अच्छा से ऑब्जर्व करो, बीई डी, डी कितना 30 डिग्रीज. इन ट्रायंगल बीई डी एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्रीज सर. एंड नेक्स्ट इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व क्लियरली, वन मोर थिंग ऑल्सो इज देयर. That thing is, थोड़ा लाइट जल गया और उसके बाद में और मैं स्विच ऑन कर दिया. और जरा देखिए, इधर एक ट्राइंगल है, ये सी डी ट्राइंगल में वो 60 डिग्री से तो वो 60 हो गया. देन इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री सर. हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अभी इधर बी डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग कितना सर बोले तो बी है, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और उसमें क्या, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और एक बार मैं आपसे बोल रहे हैं, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम यू हाउ टू अप्लाई द टैन थीटा. क्यों सर बोले तो, हम लोग का कभी भी निकालना क्या पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा, नहीं तो बेस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. हाइट एंड बेस रिलेशन क्या है, टैन थीटा. हाइपोटेन्यूस का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम आप ट्राई करो कौन सा एंगल से करना, टैन थीटा से ही करना, ठीक है. थोड़ा देखे मैं कर दीजिए, मैं कर रहा है. एंगल बी ई डी ट्राइंगल में, बी ई डी ट्राइंगल में वो 30 डिग्रीज का अपोजिट में बी ई है, इसीलिए वो हाइट हो जाएगा. एंड बेस कौन है सर बोले तो डी ई आई, समझ में आया. देन आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन नाउ सर. टैन थीटा इक्वल टू, हम लोग का पता है टैन थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस. हाइट कितना सर, टैन 30 डिग्रीज इक्वल टू हाइट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई बेस इज हाउ मच, डी.
क्लियर? नहीं तो मेरे को हाइट पता नहीं है, बेस भी पता नहीं है, सर कैसा होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रख लीजिए इधर, हम लोग इधर जाएगा और इधर से इधर कुछ मिले तो हम लोग मिक्सअप करके सॉल्यूशन बनाएगा, टेंशन नहीं ले लो। और उसमें थोड़ा देखिए, ए सी डी ट्रायंगल में वो एंगल 60, अपोजिट साइड हाइट पता है, बेस मिलेगा, देन आई एम राइटिंग हियर सर टैन 60 डिग्रीज इक्वल टू अपोजिट साइड सी डी बाई बेस कितना सर बोले तो ए सी। देन इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली सी डी दे दिया सर, सेकंड स्टेप में लिख रहे हैं टैन 60 इक्वल टू हम लोग का पता है रूट 3। और एक बार बोल रहे हैं रिमेंबर करना है टेबल पूरा, रिमेंबर करना है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होगा साइन कॉस टैन का 0, 30, 45, 60 एंड 90 वो डिग्रीज का वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। 3 इक्वल टू सी डी कितना सर, सी डी इज गिवेन 60 एंड ए सी हम लोग का पता नहीं सर, इट इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू मैं ए सी इधर ले रहे हैं रूट 3 इधर ले रहे हैं, नहीं तो आप ऐसा भी मान लीजिए रूट 3/1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू रूट 3 इक्वल टू 60 सर, देन ए सी इक्वल टू 60/√3 मीटर सर। अभी ए सी मिल गया, ए सी मिल गया आपका, देन पहले हम लोग को कौन विच क्वेश्चन आंसर वी गॉट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग 60/√3। सब बच्चा लोग ऐसा भी करता है, वो 60 है ना, कभी कभी बुक में आंसर वो होगा सर आपका आंसर अलग आया, कैसा आएगा बोलो तो 60 को मैं लिख रहा हूँ 20/√3 और 20/3 को मैं लिख रहे हैं √3/√3 √3 कैंसिल हो जाएगा 20/√3 मीटर। आंसर वो सेकंड क्वेश्चन का हो गया। और अभी देखिए मैं क्या कर रहे हैं, ए सी इक्वल टू डी ई है नहीं, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, इसीलिए डी ई का प्लेस में किसके वैल्यू लिखेगा मैं, ए सी का वैल्यू लिखेगा अभी टैन 30/√3 सर, बी ई डिवाइडेड बाय डी ई बोले तो ए सी हाउ मच यू गॉट 20/√3। और आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू डू, इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी ई इंटू रूट 3 ऐसा कर दीजिए एंड 20/√3 इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इधर रूट 3 इधर रूट 3 कैंसिल है सर, देन बी ई इक्वल टू हम लोग का मिला 20 मीटर। समझ में आया? देन डिफरेंस बिटवीन द टू हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग कितना है 20 मीटर, दिस इज answer for this question. So, I hope you understood. Whatever your opinion, आपको कैसा लगा है वो, और कौन सा और कैसा पढ़ा तो और आपको अच्छा लगेगा, और पूरा comment box में लिख लीजिए, और आप friendly से हम लोग ज़्यादा numerical और करेगा। Thank you.